क्या लिखा है सामने जाकर ले रहा और क्या लेकिन ऐसा लगता है कि हर प्रबंधन का जो दान है गंदी पानी को बंद करने को लेकर के ये भारत सरकार हर सिंचाई को उजाड़ने का भरपूर प्रयास कर रही है। कब से पानी आप लोगों को पानी और बिजली की समस्या? आज महीनों से ये जो हम प्रबंधन है हम लोगों को चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और विश्वास में लेने का कोशिश करते हैं लेकिन उनका विश्वास में कोई दम नहीं है। आगे आप लोग क्या है चरण? हमारा आज से चरणबद्ध तरीके से सिंदरी को बचाने के लिए सिंदरी वासी सब एकत्रित हुए हैं और हम लोग धीरे धीरे पूरे सिंदरी को गोल बंद कर करके हम एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेंगे। अपना नाम बता दीजिए। सुरेश प्रसाद जवाब से कंपनी को ये मोदी जी का महाकांक्षी योजना है। अब जब से चालू हुआ है अब लोगों को पानी बिजली की समस्या, अब जब बंद थी तब यहाँ के लोगों को पानी बिजली सब प्राकृतिक रूप से मिलता था, क्या सोचते हैं? हर एक महीना 2000-3000 हाँ वो प्रभावित मत बोलो भाई। उस समय में जहाँ पर मीटिंग हुआ था जिसमें डीसी भी शामिल और उस समय में उन्होंने कहा था कि सिंधी में सिंधी वासियों को बिजली पानी का सब सुविधा मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी सुविधा मिलेगा। लेकिन ये कारखाना का जब से शुरुआत हुआ है और अभी प्रोडक्शन तो स्टार्ट नहीं हुआ उसके पहले यहाँ के लोगों को बिजली पानी की सुविधा से वंचित किया जा रहा है और स्वास्थ्य का जो सुविधा है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ की सुविधा लोगों को मिलेगा। इसलिए हम लोग सड़क से उतरे हैं, यहाँ के लोगों को अगर सुविधा नहीं मिलेगा, आप सभी जान रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर पानी का बहुत अभाव है। पानी के लिए लोग चाही किए हुए हैं, चापा नल भी पूरे तौर से खराब हो गया है। इसलिए आज पुतला दहन करके हम लोग अपना आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। अगर फर्स्ट मैनेजमेंट में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए आप लोग सभी हर प्रबंधन से पूछे, हम लोग हर प्रबंधन से पिछले दिनों हमेशा मिले हैं, यहाँ का पानी बिजली और स्वास्थ्य के सुविधाओं के लिए हमेशा बात करते रहे लेकिन कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं विकास कुमार बड़ा समस्या मुड़ी खड़ा ऐसे आ जाता है नीचे करो। क्या कुछ कारण को लेकर आप लोगों ने यहाँ पे भोजा मोड़ में पुतला दहन किया? किनका पुतला दहन?
ये हल प्रबंधन का आप लोगों ने आज पुतला दान किया, कुछ महीनों से सुंदरी बांध रहा है जो पानी का समस्या से ग्रसित है, सुविधा है पानी की स्वास्थ्य, ये कहीं ना कहीं एक छलावा दिखाई दे रहा है जिस वजह से सोचा गया था सुंदरी बांध को यहाँ पे पानी आश्वासन दिया अच्छी तरह से बहाल किया जाएगा दिखाई नहीं दे रहा है। वासियों के अंदर में एक बाल दिखाई दे रहा है क्योंकि आज इतनी स्थिति है कि लोग अपनी रोजगार की तलाश में दिन भर भटक रहे हैं, उसके बाद पानी के लिए लोग दिन भर तपस्या करें, इस स्थिति से सफर कर रही है और आने वाले दिनों में ये स्थिति नहीं तो सुंदरी में भयावनक कर देगा, जनता वोट पूछेगी और उनको जवाब देगी क्योंकि ये जो आश्वासन दिए थे ये पूरा छलावा दिखाई दे रहा है और हर मंत्री को इससे आज से सबक लेना होगा। क्या नाम है और का भेड़ दिखाएंगे तलाब तला।